अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो माय नेम इज़ आमिर इदरीस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीख लो यार। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। जो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड है। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है साइटेशन और रेफरेंसेस, जिससे हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी रिसर्चेस की ऑथेंटिकसिटी। जब हम कोई भी रिसर्च के अंदर साइटेशन या रेफरेंसेस डालते हैं तो उसके दो तरीके कार हैं, एक मैन्युअली होता है और एक है सॉफ्टवेयर की बेसिस पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए भी ये साइटेशन डलती है। कुछ लोग मैन्युअली भी डालना प्रेफर करते हैं, लेकिन मैन्युअली जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है, जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस तरीके से सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम अपनी साइटेशन को इसमें ऐड करते हैं। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हम एंड नोट के ज़रिए इसमें साइटेशन को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे जाके आप एंड नोट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। फ्री वर्जन भी अवेलेबल होगा, ट्रायल वर्जन भी 30 डेज़ के लिए अवेलेबल होता है। इसके पूरे पैटर्न को आप गूगल पे जाके गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे। गूगल स्कॉलर सर्च करने के बाद जो आपका वेरिएबल है, अगर आपने पहले से कोई पेपर निकाल के रखा हुआ है जो रिसर्च पेपर, तो आप उसको डायरेक्ट उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं निकाला तो जो भी आपका वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उससे रिलेटेड आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप मेरे रिसर्च का वेरिएबल है, सही है। तो अगर मुझे ये वेरिएबल इस पेपर की साइटेशन डालनी है अपने अपने रिसर्च पेपर में, तो अब मैन्युअली डालने का तरीके का डिफरेंट था, लेकिन अगर जब आप सॉफ्टवेयर के बेसिस पर डालेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इंपोर्ट इनटू एन नोड का। लेकिन आप यहाँ पर देख लोगे इंपोर्ट ऑप्शन इनटू एन नोड नहीं आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये आपको 3 लाइन्स शो हो रही होंगी, यहाँ पर आ रही है सेटिंग्स। नीचे यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में जाके, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पर आप जाके एंड नोट को सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास इंस्टॉल हुआ हुआ होगा एंड नोट। तो आपने यहाँ पर एंड नोट को सेलेक्ट किया और अपनी सेटिंग्स को सेव कर दिया। जब आप सेव करेंगे तो वहाँ पर ये देख सकते हैं हम, यहाँ पर इंपोर्ट इनो इनटू एंड नोट ऑप्शन आ रहा है, सही है। सबसे पहले आपने जैसे ही इसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप पहले, अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक चीज़ ये होगी कंफर्मेशन के लिए, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका एंडनोट आपके वर्ड से सिंक्रनाइज हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पर आपके पास एंडनोट का ऑप्शन भी आ रहा होगा, एंडनोट 7। मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, मेरे पास पुराना वर्जन चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये एंडनोट का ऑप्शन आ रहा है, तो इससे ये चीज़ क्लैरिफाई हो रही है, क्योंकि इश्यूज ये भी आए थे लास्ट टाइम भी कुछ लोगों के साथ, उसमें ये हो रहा था कि जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का, उससे वो रिलेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरा एंडनोट था पुराना और मैंने लेटेस्ट वर्जन डाला हुआ था तो उससे सिंक्रनाइज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये हो चुका है, ये पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 9 आ चुका है अभी इस टाइम पे। जब हम लोगों को ये जो हमारा रिसर्च पेपर है वो मिल चुका है एंड नोट पे जाके, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी साइटेशंस डाउनलोड हो जाएंगी। जैसे ये डाउनलोड होंगे आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा और यही वो सॉफ्टवेयर का नाम था, ये देखते हैं लिंकिंग इमोशन। लिंकिंग इमोशन, तो यही वाला रेफरेंस पेपर हमने डाउनलोड कर लिया। अब हम जाएंगे अपने वर्ड की फाइल पर। अच्छा, जब हमने यहाँ पर डाउनलोड किया तो इसको सेलेक्ट भी करना है मोस्टली, जैसे इस टाइम पे सेलेक्ट नहीं है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर जाऊँगा अपनी वर्ड की फाइल में। वर्ड की फाइल में जाके मुझे करना क्या होगा, सिर्फ 2 वर्ड प्रेस करने होंगे, एक साथ ही प्रेस करने पड़ेंगे, Alt और 2। जैसे मैं क्लिक करूँगा आपने देखा वो राउंड राउंड हुआ, ये साइटेशन मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, इस साइटेशंस के अंदर 2 तरीके का आ रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो भी आप रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चेस में API स्टाइल भी मोस्टली प्रेफर किया जाता है, लेकिन अगर आप कोई और भी रखना चाहें और या इसको इसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा रेफरेंसेस में जाके। आप रिसर्च पेपर मैन्युअली अगर आप करते हो तो 1 बाय 1 आपको स्टेपली वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें यही बेनिफिट रहता है कि साइटेशन और रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीडरशिप स्टाइल वाला पेपर है, ये मुझे अपनी रिसर्च पेपर में ऐड करना है। एंड नोट पे सबसे पहले क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा लीडरशिप स्टाइल एंड एसोसिएटेड।
मैं जाऊंगा अपने वर्ड की फाइल पे। अच्छा, पहले मुझे उसको सेलेक्ट भी करना है। ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पहले आप देख सकते हैं ब्लू शो कर रहा है। तो यहाँ पर जाके, फॉर एग्जांपल ये मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ था जिसमें मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट टू। तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिकली दोनों साइटेशंस ऐड हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पर पीछे रेफरेंसेस भी उसके जनरेट हो रहे हैं प्रॉपरली, जैसे एंड नोट्स से हम लोग वो जैसे एपीआई स्टाइल में प्रॉपरली उस तरीके से वो मैनेज हुआ हुआ है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सीख लो यार को, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।